पाक सीमा पर तनाव जारी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बीएसएफ और पाक रेंजरों के बीच किसी तरह का संवाद भी नहीं रहा। मंगलवार को दोपहर में ही पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। सांबा सेक्टर के ठाकुरपुरा सेक्टर में बीएसएफ पोस्ट पर मोर्टार के गोले भी दागे गए। बीएसएफ के डीजी ने खुलासा किया है कि सरहद पर पाकिस्तानी सेना और पाक रेंजर आतंकवादी सरगना हाफिज सईद की मदद से भारत के खिलाफ फायरिंग कर रहा है। इस फायरिंग का मकसद आतंकियों की घुसपैठ कराना है, ताकि 26 जनवरी से पहले भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सके। लेकिन बीएसएफ पाक के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान ने जो कुछ कहा उसके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन जो हमारी यहाँ जो ग्राउंड सिचुएशन है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फायर हमेशा ही पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट हुआ है। बीएसएफ सिर्फ उसका रिटेलिएशन करती है, और हमारी ऐसे भी स्ट्रेटजी है, हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि हम अपनी ओर से फायर इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन जब फायर आएगा तो हम उसको टॉलरेट भी नहीं करेंगे। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। टीवीटीएन के मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे, जहां से पाकिस्तानी पोस्ट सिर्फ 100 मीटर के फासले पर है। मंगलवार को इसी पोस्ट पर पाकिस्तान ने गोले दागे थे, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। पोरबंदर तट से संदिग्ध आतंकी बोट का पीछा कर घेराबंदी करने वाले डोजियर एयरक्राफ्ट ने मलबे की निशानदेही के लिए फिर उड़ान भरी। डोजियर 228 बेहद ही आधुनिक एयरक्राफ्ट है, जो 7 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोल इंडिया के कर्मचारियों के हड़ताल से बिजली संकट बढ़ सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड और सभी 5 सहयोगी कंपनियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। करीब 7 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आरएसएस का मजदूर संगठन भी इस हड़ताल में शामिल है। कोल इंडिया रोजाना करीब 1.5 लाख मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है। हड़ताल के पहले दिन 25 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा सकता है। इससे पहले हाल में सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे जाने का ऐलान किया था। योग गुरु बाबा रामदेव को भी पद्म सम्मान देने की अटकलें हैं। मानव संसाधन मंत्रालय 26 जनवरी को नई शिक्षा नीति की औपचारिक घोषणा करेगा। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी में पहली बार आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्मृति ईरानी ने मंत्रियों से कहा है कि शिक्षा नीति में बदलाव के लिए पहली बार हर छात्र से सुझाव मांगे जाएंगे। आज गुजरात में भारतीय प्रवासी दिवस की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में 8 जनवरी को शरीक होंगे। प्रवासी भारतीय में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में दुनिया भर के प्रवासी भारतीय शरीक होंगे। इस बार प्रवासी भारतीय समारोह इसलिए भी खास है क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी के स्वदेश लौटने के 100 साल पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी प्रोमिसेस की गई हैं जो कि पूरी नहीं हुई हैं। इन पिछले 6 महीनों में हमने कुछ बोला है वो हो रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जो प्रवासी भारतीय दिवस अभी जो जिसका आयोजन किया जा रहा है, उसके अंदर उन सब विसंगतियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है जो कि 10 साल तक थी। मोदी सरकार का पहला गणतंत्र दिवस भी कई मायनों में खास होगा। इस बार जहां मेहमान के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा होंगे, वहीं राजपथ पर जो झांकियां परोसी जाएंगी उनमें मोदी की चहेती योजना मेक इन इंडिया की जमकर नुमाइश होगी। आपदा से उबर रहा केदारनाथ एक नए इतिहास का गवाह बना है। देश के सबसे बड़े मालवाहक हेलीकॉप्टर को केदार घाटी में उतारने में भारतीय वायुसेना कामयाब रही। ये खास हेलीपैड 11,700 फीट की ऊंचाई पर है। मालवाहक विमान की लैंडिंग से केदारनाथ घाटी में भारी उपकरणों को पहुंचाने में आसानी होगी। बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम जारी है। इस काम में 300 लोगों की टीम लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस जारी है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आज तक से कहा कि बीजेपी के साथ किसी फॉर्मूले पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, न ही सरकार बनाने को लेकर अभी तक कोई समझौता हुआ है।
आपको बता दें कि दो दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी, जिसमें सरकार के गठन को लेकर पीडीपी के साथ बातचीत आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया था। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे संपत्ति विवाद में अपने भाई जयदेव से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो कोर्ट से बाहर किसी तरह का समझौता नहीं चाहते, इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ही फैसला करे। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने उद्धव को आपस में समझौता कर विवाद सुलझाने की सलाह दी थी। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उद्धव के नाम कर दिया था, जिसके बाद जयदेव ने उनकी वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी है। जयदेव का कहना है कि जब बाला साहब ने अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारी को चुना, उस समय उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बिहार में जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने पार्टी के चार बागी विधायकों की सदस्यता फिर से बहाल कर दी है। अभी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जेडीयू के चार विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज बबलू, राहुल शर्मा और रविंद्र राय की सदस्यता रद्द कर दी थी। इन चार विधायकों पर पिछले साल राज्यसभा चुनाव के दौरान दो बागी उम्मीदवारों अनिल शर्मा और शबीर अली की मदद करने का आरोप लगा था। इन सभी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील की थी। उधर अब जेडीयू ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जहां जेडीयू के चारों बागी विधायक खुशी से झूम उठे, वहीं उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। सहरसा में विधायक नीरज बबलू के समर्थकों ने कोर्ट के फैसले के बाद जहां उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की, वहीं हवा में फायरिंग भी की। विधायक के समर्थकों का कहना था कि कोर्ट से सदस्यता बहाल होने के बाद अब विरोधियों को तगड़ा जवाब मिल गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर अखिलेश सरकार को सावधान किया है। अपने गांव सफाई में एक कार्यक्रम के दौरान मुलायम ने कहा कि अखिलेश सरकार अपने राज्य में बेरोजगारों को जल्द से जल्द नौकरियां दें। मुलायम ने कहा कि नौकरियां नहीं दी तो चुनाव आ जाएगा और फिर आचार संहिता लग जाएगी। एक कुछ नौकरियां जो दे सकते हो कुछ नौकरियां नौजवानों को मिलनी चाहिए, ये हमारी सलाह है। जल्दी से जल्दी मैं चुनाव आ जाएगा आचार संहिता में जाएगा। मुलायम जहां अखिलेश सरकार को सावधान कर रहे हैं, वहीं यूपी के मंत्री लोगों के बीच अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। जौनपुर में एक कार्यक्रम में यूपी के कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव ने डीएम और एसपी की मौजूदगी में कहा कि अधिकारी नेताओं को हल्के में लेने की भूल ना करें। पारसनाथ यादव यहां तक कह गए कि जब नेता किसी थाने में जाता है तो वहां का दारोगा उठकर उसे सलाम करता है। नेता अगर ना हो तो जनता की समस्याओं का निदान आप जैसे अधिकारी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां के अधिकारी जो मेरे थे वो उसका शोषण करती है। नेता ही है थाने में चला जाता है तो दरोगा खड़ा होकर सलाम कर देता है और उसकी बात सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के सम्मान में सिक्का जारी किया। जमशेद जी टाटा की 175वीं जयंती पर उनके सम्मान में सिक्का जारी करते हुए मोदी ने जमशेद जी को महान शख्सियत बताया। मोदी ने कहा कि जमशेद जी ने बिना सत्ता और किसी ताकत के इतिहास रचा। दिल्ली में दोबारा सीएम बनने का सपना देख रहे अरविंद केजरीवाल मंदिरों में जाकर भगवान से अपनी जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर जाकर माता का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, जिस मिशन पे हम लोग निकले हैं, कालका माई हम लोगों को सफलता दे, इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। आज एक आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पीएस बस्सी ने कहा है कि सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के मुताबिक सुनंदा को जहर दिया गया था,
दिल्ली पुलिस को शक है कि सुनंदा को या तो जहर खिलाया गया या फिर इंजेक्शन के जरिए दिया गया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का कहना है कि इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। कमिश्नर ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो शशि थरूर से भी पूछताछ की जाएगी। सुनंदा पुष्कर का शव पिछले साल 17 जनवरी को दिल्ली के लीला होटल में मिला था। जो मेडिकल बोर्ड थी उसने रिपोर्ट दे दी थी, तो उस रिपोर्ट में जो मेन मुद्दा उन्होंने हमें ये बताया है कि डेथ जो है नंबर वन अननेचुरल है, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया है कि डेथ इज ड्यू टू पॉइजनिंग। इसमें जो भी आवश्यक होगा वो सब किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद सुनंदा पुष्कर के चचेरे भाई अशोक कुमार भट्ट का कहना है कि उनका पहले से यही कहना था कि सुनंदा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। अशोक के मुताबिक सुनंदा कुछ गहरे राज जानती थी जिसके कारण उसकी हत्या की गई। अशोक का कहना है कि सुनंदा एक बहादुर महिला थी, वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। शशि थरूर ने सुनंदा मामले में हत्या का केस दर्ज होने पर हैरानी जताई है। शशि थरूर ने कहा है कि वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। शशि थरूर ने ये भी कहा है कि उन्हें जांच रिपोर्ट की पूरी कॉपी दी जानी चाहिए। उधर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का कहना है कि अभी इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है, पुलिस को जांच की तह तक पहुंचने दें। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा है कि हम चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच करे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा जगतार सिंह तारा थाईलैंड में पकड़ा गया। खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना के बाद तारा को थाईलैंड पुलिस ने एक घर से गिरफ्तार किया। जगतार सिंह तारा 2004 में बुड़ैल जेल में 90 फीट की सुरंग खोदकर फरार हो गया था, जिसके बाद से उसकी तलाश जारी थी। बताया जा रहा है कि जेल से भागने के बाद जगतार सिंह तारा ISI के साथ मिलकर काम कर रहा था और कई सालों तक पाकिस्तान में भी छुपा रहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक उन्होंने हाल ही में थाईलैंड के गृह मंत्री से मुलाकात की थी और जगतार सिंह तारा को पकड़ने के लिए सहयोग मांगा था। हरियाणा के पंचकुला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दो छात्राओं की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों छात्राओं का शव उनके हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकता मिला। हॉस्टल से जिन दो लड़कियों की लाश मिली है वो करनाल की रहने वाली थीं। हॉस्टल के कमरे से दोनों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें किसी लड़की का जिक्र है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। पुलिस का कहना है कि वो जांच के बाद ही कोई बयान जारी करेगी। मंगलवार शाम सूरत में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर खड़ी एक लग्जरी बस में आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इसने सड़क पर खड़ी एक और बस को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि जिन बसों में आग लगी वो पूरी तरह से खाली थीं। काफी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दोनों बसें जलकर खाक हो चुकी थीं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा जब नंद नगरी इलाके में एक ट्रक ने दो बाइक सवारों को कुचल डाला। इस हादसे में बाइक पर सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के फौरन बाद ड्राइवर ट्रक के साथ मौके से फरार हो गया। यूपी में बदमाशों का हौसला किस कदर बुलंद है इसका नमूना मुजफ्फरनगर में देखने को मिला जब बदमाशों ने सेल्स टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर के घर धावा बोल दिया। बिजली का मीटर चेक करने के बहाने घुसे तीन बदमाशों ने हथियार के दम पर पहले घर के लोगों को बंधक बनाया और फिर लूटपाट कर फरार हो गए। दिन दहाड़े सेल्स टैक्स के अधिकारी के घर हुई इस लूट की वारदात के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। अगर आप NCR में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दिनों गाजियाबाद में एक गैंग के बदमाश नकली पुलिस वाले बनकर सड़कों पर लूटपाट कर रहे हैं। ताजा मामला मंगलवार का है जब इंदिरापुरम में काला पत्थर के पास पुलिस के वेश में बदमाशों ने चेकिंग के नाम पर एक स्विफ्ट कार लूट ली। नकली पुलिस वाला बनकर बदमाशों ने जिस कार को निशाना बनाया उसमें नोएडा में काम करने वाले दो सेल्स मैनेजर सवार थे। पीड़ित के मुताबिक पुलिस की वर्दी पहने बदमाशों ने 60,000 कैश भी लूट लिया। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। 15 सदस्यीय टीम में युवराज सिंह को जगह नहीं दी गई है।
मंगलवार को मुंबई में चयनकर्ताओं ने करीब 1.5 घंटे की बैठक के बाद वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया। चयनकर्ताओं ने वर्ल्ड कप के लिए जो टीम चुनी है उसमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, स्टुअर्ट बिन्नी और उमेश यादव शामिल हैं।